चलो भाई आगे लाइट देखो, क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट में कह रहा कि ए बस मीट्स एन ऑटो एट 10 AM व्हाइल गोइंग ऑन द सेम वे इन द सेम डायरेक्शन टुवर्ड हरिद्वार। एक बस था एक ऑटो थी, ठीक है। तो बस है ना ऑटो से 10 बजे मिली, दोनों हरिद्वार की तरफ जा रहे थे। कह रहा है बस रीच एट द हरिद्वार एट 12:30 PM। बस हरिद्वार 12:30 बजे पहुँच गई। कह रहा कि एंड टेक 1 आवर रेस्ट एट देयर, वहाँ पे 1 घंटा उसने रेस्ट किया। फिर कह रहा है बस रिटर्न बैक ऑन द सेम वे एंड मीट विद द सेम ऑटो हाफ एन आवर लेटर। जब बस वापस आ रही थी ना, तो वो रास्ते में फिर से ऑटो से मिलती है आधे घंटे के बाद, मतलब 1 मतलब 1:30 बजे चला था वो, तो आधा घंटा ट्रैवल कर लिया। तो उसने मतलब कितने बज गए, 2 बज गए, ठीक है। 2 बजे वो मतलब कि ऑटो से मिला है। तो आपसे पूछा है एट व्हाट टाइम द ऑटो विल रीच हरिद्वार, ऑटो हरिद्वार कब पहुँचेगा, ठीक है। चलो हरिद्वार पहुँचा देते भाई इसको। देखो बकवास सा क्वेश्चन है, मान लो ये पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑटो था, यहीं पे आपकी बस थी, तो 10 बजे मिल गए थे, ठीक है। 10 बजे के बाद ऑटो भी चल रहा है, बस भी चल रही है। तो बस आप ये हरिद्वार है, यहाँ पर हरिद्वार पहुँच गई कितने, 12:30 बजे। 12:30 से 1 घंटा उसने रेस्ट किया, तो 1:30 हो गया। 1:30 पे बस तुम्हारी वापस आ रही है, अपने रास्ते में वापस आ रही है। तो आफ्टर 1 आवर, हाफ आवर, 30 मिनट के बाद बस कहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची, ठीक है। तो कितने बज गए, 2 बज गए, 2 बज गए, 2 बजे इसको यहाँ पे ऑटो मिलता है, ऑटो यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, 2 बजे। तो देखो ऑटो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है 2 बजे, तो 10 से 2 बजे तक कितना टाइम हो गया, 4 घंटे, ठीक है। और बस इस डिस्टेंस को कितने टाइम में ट्रेवल कर रही है, ये सोचना बस आपने, क्योंकि आपसे पूछा क्या है कि एट व्हाट टाइम ऑटो विल रीच द हरिद्वार, कि मतलब ऑटो यहाँ से यहाँ तक कितने बजे हरिद्वार पहुँच जाएगा, ठीक है। तो देखो ऑटो का और बस का आपने कुछ जो मैचिंग कर रहा है, ये वाला डिस्टेंस मैचिंग कर रहा है, इस डिस्टेंस को आपका बस भी ट्रैवल कर रहा है और इस डिस्टेंस को आपका ऑटो भी ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इस डिस्टेंस को आपका ऑटो 10 से 2 बजे तक मतलब कि 4 घंटे में ट्रैवल कर रहा है, तो बस कितने टाइम में ट्रैवल करी। देखो मेरी बात सुनो, बस गई थी जब का आपको पता है, क्या पता है कि बस यहाँ से यहाँ तक टोटल 10 से 12:30 बजे मतलब कि 2.5 घंटे में गई थी, ठीक है। 2 प्लस 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट में गई थी, और यहाँ से यहाँ तक बस ट्रैवल करती है आधे घंटे में, उसने बोला ना आधे घंटे बाद मिली थी वो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक टोटल ट्रैवल करती है 2.5 घंटे में, और यहाँ तक ट्रैवल करती है आधे घंटे में, तो इस चीज़ को कितने ट्रैवल कर लेगी, 2 घंटे में। तो बस आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ अब जो भी देखना था ये देखना था, ये वाली डिस्टेंस, कि इस डिस्टेंस को आपका बस ट्रेवल कर रहा है या आपका ऑटो ही बस है। बस ट्रेवल कर रहा है 2 घंटे में, और आपका ऑटो ट्रेवल कर रहा है इस डिस्टेंस को 4 घंटे में, ठीक है। तो टाइमिंग का रेशियो कितना आ गया, 1:2:2। मतलब किसी डिस्टेंस को बस अगर 1 घंटे में ट्रैवल करेगा तो ऑटो 2 घंटे में ट्रैवल करेगा, तो वेलोसिटी का डिफरेंस वो रेशियो 2:1। तो बस की वेलोसिटी अगर 2 है तो ऑटो की वेलोसिटी कितनी है भाई, 1 है, ठीक है। तो अब आपने एस्टिमेट लगाना है कि बस ने 2 की वेलोसिटी से इस पूरी डिस्टेंस को कितने में कवर किया था, 2.5 घंटे में। तो ऑटो उससे हाफ मतलब कि 1 की वेलोसिटी कितने टाइम में कवर कर लेगा। देखो कुछ नहीं, हरिद्वार से यहाँ से हरिद्वार बस गई है 2.5 घंटे में, तो ऑटो का पूछा कितनी देर में जाएगा, ऑटो की स्पीड बस की स्पीड से आधी है, तो 2 की स्पीड से गया वो कितने टाइम में, 2.5 घंटे में। तो 1 की स्पीड से कितने में जाएगा, 5 घंटे में, सीधी बात है, 5 घंटे बाद वो हरिद्वार पहुंचेगा, तो 10 के अंदर 5 ऐड कर लो, ठीक है। आपने कुछ नहीं देखना था, सिंपल सी ये चीज़ देखनी थी बस, ये वाली,
इसको हटा भी दूंगा हर चीज़ को, बेफालतू चीज़ें हैं जो, आपको सिर्फ इतना एस्टिमेट लगाऊंगा, ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन घूम रहा है कि यहाँ से आज तक बस 2 घंटे में, ऑटो 4 घंटे में, ठीक है। तो उनका वेलोसिटी का डिफ वो लिया आप रेशियो, कि वेलोसिटी बस की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ऑटो की 1 हो जाएगी। 2 की वेलोसिटी से इसने कितना टाइम लिया, 2.5 घंटे, तो 1 की वेलोसिटी से कितना टाइम लगा, 5 घंटे। बस 10 बजे चला था, 5 घंटे बाद मतलब कि 3 बजे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3 PM। बस कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। कह रहा भाई, विशेष यादव को एवरेस्ट पर पहुंचने के लिए कुल दूरी का 1/3 भाग चढ़ने में जितना समय लगता है, उसका हाफ अधिक समय उसे अगले 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। फिर कह रहा है कि उसका 1/4 अधिक समय उसे शेष 1/3 भाग चढ़ने में लगता है। मतलब ये है कि कुल दूरी को उसने 1/3 1/3 1/3 में बांट लिया, तो पहली 1/3 में जितना टाइम लगा, अगली 1/3 में उससे आधा टाइम अधिक लग रहा है, ठीक है, पहली से आधा। फिर कह रहा है कि अगला जो 1/3 चढ़ा रहा, तो जो दूसरी में उसने टाइम लिया था, तीसरी 1/3 में दूसरी के कंपेयर में उसको 1/4 टाइम अधिक लग रहा है, मतलब जितना उसको सेकंड में लगा था, अब तीसरे 1/3 में उसी टाइम का सेकंड वाले का उसको 1/4 अधिक लग रहा है, ठीक है। और कह रहा है कि कुल चढ़ाई उसने 5 घंटे 50 मिनट में कर ली, तो आपसे पूछ रहा पहला भाग कितने समय में चढ़ा उसने, तो पहले भाग की चढ़ाई का टाइम आपसे पूछा है। सोचो कैसे करोगे, देव करना कैसे इसको। टोटल डिस्टेंस थी 1/3, सेकंड 1/3 और फाइनल 1/3, ठीक है। वो इसको चढ़ने में इससे हाफ टाइम ज्यादा ले रहा है, तो अगर इसने 2 घंटे लिए तो हाफ ज्यादा मतलब किसने, एक ज्यादा, देखो हाफ का मतलब वही है। अगर इस नालायक ने, देखो ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, तो सेकंड पार्ट का टाइमिंग है वो क्या चल रहा है, हाफ ज्यादा किससे, फर्स्ट पार्ट से। अगर फर्स्ट पार्ट आपका 2 है तो एक ज्यादा 3, तो सेकंड चलेगा कितना, 3 पे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि फाइनल वाला पार्ट इस वाले पार्ट से कितना ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है, 1/4 ज्यादा है। अगर सेकंड पार्ट आपका 4 का था, तो फाइनल पार्ट एक ज्यादा कितने का हो जाएगा, 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में रेशियो यूज कर रहा हूँ आपका, इसका कितना था, 4 था तो इसका कितना आएगा, 5 आएगा, इसका 2 था तो इसका कितना आएगा, 3 आएगा। दोबारा देख लो कि सेकंड पार्ट को फर्स्ट पार्ट में चढ़ने से आधा ज़्यादा लग रहा था, आधा ज़्यादा मतलब कि अगर फर्स्ट पार्ट आपका 2 का था तो एक ज़्यादा वो कितने का हो जाएगा, 3 का हो जाएगा। फिर उसने एक रिलेशन यूज़ किया 1/4 का, कि ये वाला पार्ट उसने इस वाले टाइम के साथ कंपेयर किया तो 1/4 ज़्यादा ले रहा था, तो अगर ये वाला सेकेंड वाला पार्ट आपका 4 था तो वो एक ज़्यादा कितना, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इनका रेशियो आया आपके पास एक्चुअल में, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई, ये 4 इधर मल्टीप्लाई, तो आपके पास 8, 12 और 15, इनको आप मिनट में मान लो, ठीक है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि पहला पार्ट वो 8 मिनट में चढ़ रहा है, दूसरा पार्ट वो 12 मिनट में चढ़ रहा है, तीसरा पार्ट वो 15 मिनट में चढ़ रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल उसने पूरी जर्नी का टोटल कितना टाइम लिया, 35 मिनट। 35 मिनट थोड़ी ले रहा था वो, कितने ले रहा था, 5 घंटे 50 मिनट। 5 घंटे 50 मिनट का मतलब कितना हो गया, 5 साढ़े 30, 300 प्लस 50, 350। वो ओवरऑल 35 मिनट नहीं ले रहा था, वो ओवरऑल 350 मिनट ले रहा था, कितने से मल्टीप्लाई, 10 से। तो फर्स्ट पार्ट के लिए ये भी 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा आंसर, ठीक है भाई। बस ऐसा ही है, कितने मिनट, 80 मिनट। सेकंड पार्ट के लिए उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 मिनट में सेकंड पार्ट, तीसरे पार्ट 150 मिनट में चढ़ रहा है, और अब वो 350 मिनट में चढ़ रहा है, ठीक है। तो कुछ नहीं था, रेशियो का यूज करना था, विद इन सेकंड आपके सामने आंसर था इसका। नेक्स्ट में कह रहा आपसे भाई, राम स्टार्टेड फॉर द स्टेशन हाफ 1 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, वॉकिंग एट 1 किलोमीटर पर आवर टू कैच द ट्रेन ऑन टाइम। मतलब एक स्टेशन है राम के घर से आधा किलोमीटर दूर,
वो ट्रेन को पकड़ने के लिए 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने घर से निकलता है, ठीक है, यही बात है ना। तो उसकी स्पीड कितनी है, 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 60 मिनट में, 1 घंटे वो 1 किलोमीटर ट्रेवल कर लेगा। तो आधा किलोमीटर कितने टाइम ट्रेवल कर लेगा वो, तो आधे किलोमीटर को तो वो 30 मिनट में मतलब कि ट्रेवल कर लेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो अपने घर से निकला, सपोज करो 10 बजे निकला, तो उसकी 10:30 बजे ट्रेन थी, ठीक है, 30 मिनट के बाद आधा किलोमीटर दूर, 500 मीटर दूर उसने अपनी ट्रेन कैच करनी थी। चलो तो 10 बजे निकला, 10:30 की ट्रेन थी, 500 मीटर का डिस्टेंस चल रहा है। तो कह रहा कि आफ्टर 3 मिनट ही रियलाइज दैट ही हैड फॉरगॉटन सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। 3 मिनट चलने के बाद उसे याद आया ओ तेरी कि भाई कागज तो घर रह गए, ठीक है। तो 3 मिनट उसके निकल चुके, तो अभी उसके हाथ में कितने, 27 मिनट है ट्रेन को कैच करने में, और उसको कागज भी घर से उठा के लेकर आने। तो वो क्या करेगा, अपनी स्पीड बढ़ाएगा। वो कह रहा है सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट एट होम एंड रिटर्न विद इंक्रीज बट कॉन्स्टेंट स्पीड टू गेट इट सक्सीड इन कैचिंग द ट्रेन। तो देखो सीधी सी बात है, अभी 27 मिनट है, ठीक है, 27 मिनट में अगर उसको ट्रेन पकड़नी है तो वापस घर भी जाएगा वो, तो घर जाएगा जितना डिस्टेंस आएगा वो वापस उतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, फिर आधा वो जो 500 मीटर का डिस्टेंस उसे घर से स्टेशन के बीच में उसको ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो सीधी बात है, डिस्टेंस बढ़ चुका, टाइम कम हो चुका, तो अपनी स्पीड बढ़ाएगा। तो वो कह रहा है कि जो उसकी बढ़ी हुई स्पीड है ना वो आपको बतानी है। तो प्यारे प्यारे भाइयों और भाइयों की बहनों, देखो मान लो इसका घर था, ये स्टेशन था, आधा किलोमीटर दूर है मतलब कि भाई 500 मीटर, ठीक है, कितने टाइम में ट्रेवल करता, 10 से 10:30 वो ट्रेन को पकड़ लेगा जाके, आधे घंटे में 30 मिनट। पहले ना देखो टाइम एंड डिस्टेंस नहीं होता, आप पहले क्वेश्चन को पूरा समझ लो कि क्वेश्चन में दिया क्या, गिवन क्या, ठीक है। फिर आप जैसे आपके सामने चीजें आएगी ना, आप विद इन सेकेंड आंसर आप उसका पता चल जाएगा, क्यों, आपके सामने हर एक चीज क्लियर होती है, आपको ये पता होता है अच्छा ये गिवन है, ये निकालना है, तो कहाँ से क्या एडजस्ट करना, आप अपने आप दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो मतलब 30 मिनट में डिस्टेंस को ट्रेवल करता था 500 मीटर को, तो अब वो चल लिया 3 मिनट, 3 मिनट चल लिया तो यहाँ पे पहुंच गया। तो अभी उसको रिमेन कितना रह गया, रिमेन उसके पास 27 मिनट, 27 मिनट में वो वापिस आएगा और इधर से इधर जाएगा, ठीक है, और 3:30 से 10:30 बजे वो ट्रेन को पकड़ेगा। तो वो स्पीड पहले उसकी S1 चल रही थी, अभी उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, S2, तो आपने S2 बतानी है बड़ी हुई स्पीड, ठीक है। अगर कुछ नहीं बेफालतू की चीजें है, ये डिस्टेंस आएगा बड़ी हुई स्पीड से, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा, तो मतलब कि 27 मिनट आपके पास टाइम है, डिस्टेंस देख लो कितना ट्रेवल कर रहा है, 500 मीटर तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा वापस, ठीक है, और 3 मिनट के अंदर उसने पहले 3 मिनट के अंदर पहली स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था वो डिस्टेंस, ठीक है, बात मानते हो। देखो वापिस आएगा ये पार्ट D1 मान लो, और वापिस जाएगा ये पार्ट D2 मान लो, तो D2 तुम्हारा कितना हो गया 500 मीटर। बस आपको ये पता करना है कि यार D1 पार्ट वो पहले जब S1 स्पीड से चला था 3 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था, ठीक है, आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा कितना, कि भाई D1 और ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, टोटल डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास, टाइम 27 मिनट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो आपके पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। तो आप मेन मुद्दा ये है कि भाई 3 मिनट में जो पहले की स्पीड थी ना उसने कितना ट्रेवल कर लिया था, ये बता दो मेरे को, आपका क्वेश्चन हुआ हुआ है। देखो कुछ नहीं है, आपको ऐसा स्पीड तो दिया ही नहीं, तो मैं कैसे बताऊं, देखो स्पीड की जरूरत ही नहीं है, 30 मिनट में 500 मीटर करता है, 3 मिनट में कितना करेगा, 30 में 500, 3 में 1 0 गायब, 1 0 गायब, तो सीधी बात 3 मिनट के अंदर कितना 50 मीटर ट्रेवल कर लेगा वो, ठीक है, तो 50 मीटर ये 500 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 550, तो स्पीड कितना होता है, टोटल डिस्टेंस कितना 550 मीटर का, और टाइम कितना ले रहा है वो 27 मिनट, 27 मिनट में तो ट्रैवल करना था, निकालना किस में, किलोमीटर पर आवर में। देखो ये तो तुम्हारा आ गया मीटर पर मिनट, मिनट को कन्वर्ट करना किस में, सेकंड में,
मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो कितना आ गया मीटर पर सेकंड आ गया, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे आप, 18/5 से गुणा कर दोगे, ठीक है, कर लो इसको कैलकुलेटर, 0 0 काट दो, 6 3 3 तो 11/9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बाद में ट्रेवल करेगा, ठीक है भाई।